अभी तो आपको पता है सिद्धू पाजी दो बार मिनिस्टर बन गए। हाँ वाह कंग्रेचुलेशन। बपिता बहुत सारा गोल्ड पहनते हैं, आज तो लड़कियां भी सोने के लिए आए थे आप साथ। बपिता ने, आप सब जानते हैं, हमारी इंडस्ट्री के गोल्डन म्यूजिक डायरेक्टर आप इनको कह सकते हैं। इन्होंने इतनी सारे फिल्मों में म्यूजिक दिया है, ढेर सारी, तकरीबन 650 से ज्यादा फिल्म में बपिता ने म्यूजिक दिया है। हिंदी और बांग्ला के साथ साथ तकरीबन सभी लैंग्वेजेस में बपिता ने गाने गाए हैं, बहुत ही और 5000 से ज्यादा गाने जो हैं बपिता ने कंपोज किए हैं। अरे बपिता, ये बात सच्ची कि 1986 में अब तकरीबन 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड किए थे आपने, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो दर्ज है। बपिता आपकी अचीवमेंट्स की बात की जाए तो पूरी रात निकल जाएगी। नहीं नहीं, बस आप लोग का प्यार है, सबका दुआ है और ऊपर वाला का इच्छा है। और मैं एक चीज बहुत बोलूंगा जी, जैसे गले में सोना सबको मालूम है जी, लेकिन मैं बंगाली हूँ जी, लेकिन जो गुरुद्वारा का कड़ा है पापी लहरी बनता है। और एंड आई फील दिस इज लकी फॉर मी। आज से नहीं, मेरा मम्मी ने जब जख्मी सुपर हिट हुआ मेरा फर्स्ट 73 में जी, तब उन्होंने गोल्डन टेम्पल से पहना दिया था। सो स्वीट। लो भाई, मैं नारा गुरु का बुलंद करने वाला हूं, देखो आवाज कैसी आएगी। बोले सोनेहा। लोग दुबई से सोना लाते ना कभी कभी खरीद के, दुबई वालों के पास खत्म हो जाता ना, तो बपिता को कॉल करता। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात। अच्छा बपिता, ऐसे हुआ कभी किसी आप प्रोड्यूसर के लिए फिल्म में म्यूजिक दिया हो और उन्होंने कहा हो कि बपिता हमारे पास चेक तो नहीं है, ऐसे गोल्ड का कुछ ईंट वगैरह रख लो? नहीं, मैं प्रोड्यूसर जब बोले बॉन्ड के लिए सोना नहीं दिया। अच्छा? उल्टा बाउंस बाउंस चेक दे दिया। देखिए 46 कंप्लीट हो गया, 47 इयर्स चल रहे। अच्छा जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या बात है। आपको तो मालूम है गोल्डन एरा जी, लता जी, किशोर मामा, रफी साहब, आशा जी, मुकेश जी, मन्ना दे जी, सब क्या बोलूं अभी, वो सब गोल्डन एरा है जी जी जी। उस टाइम में ही घंटी जो बाजा, एक बार ही बाजा, वो 40 साल तक मेरा साथी अभी है, मेरा वाइफ। 40 इयर्स। बपिता, इतनी खूबसूरत कॉम्बिनेशन में आपकी पप्पी ले लूं? क्या बात है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। थैंक यू कपिल जी, आप भी खुद बहुत सुंदर गाते हैं। शुक्रिया बपिता, सुर में गाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया बपिता, बहुत अच्छा लगा। आपकी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बहुत बड़ा है मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। माइकल जैक्सन वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट परफॉर्मर हुए हैं, सिंगर, कंपोजर, डांसर, आपकी सुना उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो आपके किसी गाने के फैन थे वो? यस यस। कौन कौन से गाने के फैन थे? जब बॉम्बे में आए थे मैं, सॉरी माय माइक, ओके डालो डालो बापी डालो, ये भी कॉमेडी हो रहा है। हैवी डाना एल्डर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स फ्रॉम फ्री टीवी।